गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको लास्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो बताने जा रहे हैं, ये न्यू चीज है जो आपके एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इट मींस जैसे भी आपने केवल ये पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मींस इंट्रोडक्शन आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, हाइट्स एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम आपने पढ़ा था। अब जो एंगलों का मेजरमेंट करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं आप, जैसे आपका सेक्शन डेसिमल सिस्टम वगैरह में हो गया, जो एक राइट एंगल है ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री एक पर होता है, और ये एक डिग्री जो है 60 मिनट एक पर होता है। ये आपकी नई चीज हो गई, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मिनट का सिंबल हमने लिखा है, ब्रैकेट के अंदर मिनट लिख दिया है, और एक मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये जो आपका सेकंड का सिंबल हो गया। अब आप जैसे देखेंगे सर्कुलर सिस्टम में जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए आपका सेंटर पॉइंट वो है आपका किसी सर्किल का ए और बी, आपका ये आर्क लेंथ हो गया जिसको हमने ऐसे नोट किया, ये आपका थीटा हो गया, ये रेडियस हो गया। सो एज वी नो दैट द एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, इट मींस एल डिवाइडेड बाय आर, जो थीटा है आर्क लेंथ है, इसमें दो की वैल्यू आपको दी रहेगी और एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी। ये एनसीईआरटी में एक्चुअल बहुत सिंपल है, बाकी आप जैसे कुछ और रिलेशन इसमें पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिशन के लिए काम आते हैं, ये तो बहुत छोटी चीज इसमें दिया है, फिर भी जैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीईआर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क रेडियस एंड थीटा। अब आप लोग चीज और जानना चाहिए, पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल हो गया तो हमने ऊपर सी लिख दिया, आपको और है और इन रेडियन में उसका डिग्री मेजर पूछा है।
60 सेकंड में आपका नंबर ऑफ रोटेशन 360 हो गया। सो इन 1 सेकंड नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ ये इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60 इट इज इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन। अब एक रिवोल्यूशन में जो आपका कंप्लीट हो जाता है, एक रिवोल्यूशन में जो गया है आपका 360 डिग्री। तो यहां पर हमने क्या किया, इस सिंस एज वी नो दैट 1 रिवोल्यूशन कॉमा एंगल इक्वल टू 360 डिग्री और 360 डिग्री मींस 2 पाई रेडियन। रेडियन में आपसे क्वेश्चन पूछा है इसलिए 6 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन मूव करेगा। तो यहां पर हमने देखा कि एंगल इसका 6 * 2 पाई रेडियन हो गया इक्वल्स 12 पाई रेडियन। इट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह दिया है, सी आर एल गिवन 22 सेंटीमीटर थीटा की मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड रेडियस ऑफ सर्कल इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां पर जैसे आपका एक रेडियस हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया है आपका 22 सेंटीमीटर गिवन है, ये 100 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा आपको फाइंड करना है। डिग्री में जब फाइंड करना है तो एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर थीटा इक्वल टू गेट मैंने पाई आर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 100। अब रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है, 100 डिवाइडेड बाय पाई का हमने मान कर दिया एंड यूजिंग पाई इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 22 से 22 कैंसिल हो गया। अभी आपका 0 से 0 कैंसिल किया हमने 29 का 25 का 19 7 का 63 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री में। ये जो आपका डिग्री में है इसको हमने क्या किया कि जैसे 5 से डिवाइड किया तो 12 डिग्री आपका कंप्लीट हो गया जो 3 रिमाइंडर बचा है 3/5। तो 3/5 यदि हम 60 से मल्टीपल कर दें तो डिग्री से छोटी इकाई आपको मिनट किलो मिल जा रही है। तो यहां पर 5 12 का 60 12 3 का 36 मिनट। इट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, नाउ एज योर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर आपका दिया गया है 60 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन साहब से पूछ रहा है द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एबी का जो लेंथ है कॉर्ड का लेंथ, आर्क का लेंथ नहीं, किसका लेंथ, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये आपका माइनर आर्क हो गया एबी, ये जो एबी आपका माइनर आर्क है और मेजर आर्क आपका बीए। तो आपको माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करना है। डायमीटर का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है सो वी नो दैट रेडियस इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इट इज आल्सो गिवन दैट द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो आपने क्या पाया इन ट्रायंगल OAB, OA इक्वल टू AB इक्वल टू OB। जब हमने ऐसा पाया इट मींस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड वी नो दैट द एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। सो इन रेडियन पाई बाय 100 का मल्टीप्लाई किया 0 से 0 कैंसिल 60 का पाई बाय 60 रेडियन इज आंसर। नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ थीटा रेडियन, नो आंसर। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर एंड एल इज इक्वल टू आर इन थीटा रिलेशन बिटवीन दीज बाय पुटिंग द वैल्यू रेडियस 20 हो गया आपका थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 20 पाई डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। इट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप देखेंगे 6 जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्पल 5th की तरह है। सो आई होप यू विल सॉल्व इट। नाउ सी योर लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन अ रेडियन थ्रू व्हिच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द ट्रिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ एज गिवन 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। हमने थर्ड क्वेश्चन को उठा लिया इसी में। 21 सेंटीमीटर जो आपका है 21 सेंटीमीटर ये आपका गिवन है, ये जो आपका पेंडुलम का जो आर्क लेंथ है ये इसमें आपका 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम आपका 75 सेंटीमीटर है, ये आपका रेडियस का काम करेगा और थीटा की वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है इस क्वेश्चन। सो हमने लिख भी दिया कि एल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, सिंस थीटा इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर इज फार्मूला द वैल्यू ऑफ एल इज 21 डिवाइडेड बाय 75
3 से हमने इसको क्रॉस किया, 37 जा 325 जा 7/25 रेडियन, इट इज आंसर इन रेडियन। नाउ योर डिनर एट 3 इज कंप्लीटेड एंड आई होप यू रिवाइज इट इज इन बाय ऑनेस्टी। थैंक्स।